खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान का आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है। हालांकि उद्धव ने सरकार के स्पष्टीकरण की शर्त रखी है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने न तो UCC का समर्थन किया है और न ही सपोर्ट किया है, यानी वो न्यूट्रल है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को UCC लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की थी। PM ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है, एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता, BJP ये भ्रम दूर करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, हम UCC का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में UCC होना चाहिए। हालांकि इसके लिए सभी धर्म लोगों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से सलाह मशवरा पर आम सहमति बनाई जानी चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।